खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है आपकी जौनपुर से, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी दौरा आज देखने को मिलेगा। 5 विधानसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। जमुनिया, बदलापुर, चकिया में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। जौनपुर में अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन मिश्रा जौनपुर से जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज दिग्गज जो है मैदान में उतरेंगे और हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है राजन? राजन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी। आज कौन कौन दिग्गज जो है वो जौनपुर पहुंचने वाले हैं और साथ ही मैदान में उतर के हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आज जहां एक तरफ अमित शाह का दौरा है, वो किराकत विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो उनका भी दौरा है। अखिलेश यादव यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे जौनपुर में रहेंगे और जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 पे वो जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव 12 बजे सागर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, उसके बाद मुगरा, फास्तापुर, बदलापुर, मछलीसर और फिर जौनपुर सदर में जो है जनसभा करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आपको बता दें कि जौनपुर में 7वें चरण में 7 मार्च को जो है मतदान होने वाला है। ऐसे में अब सभी जो पार्टी के दिग्गज हैं उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जौनपुर की जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, तो लगातार लोगों को आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसी क्रम में अमित शाह भी आज किराकत के थानागद्दी में जनसभा को संबोधित करेंगे और अखिलेश यादव भी आएंगे। साथ ही अगर कल बात करें तो प्रधानमंत्री का भी दौरा जो है जौनपुर में लगने वाला है जी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे राजन, इस वक्त अगर जौनपुर की बात करें तो किस तरह का चुनावी माहौल देखा जा रहा है, ज्वलंत मुद्दे आखिर क्या है? जी बिल्कुल, जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर में लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है। अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ से भाजपा ने 4 सीटों पे जो है कब्जा किया था और एक पे अपना दल के गठबंधन से था, जिसमें जबकि 3 जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था और 1 बसपा के पक्ष में था। तो यहाँ पे 9 सीटें हैं लगातार और इस बार जो है भाजपा जो है यहाँ पे ज्यादा सीटों पे जो है अपने प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराना चाहती है। पिछली बार 4 और कुल मिला के 5 थी भाजपा के पास, तो इस बार जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है तकरीबन भाजपा की जो सीट है वो 6 से 7 जा सकती है। वही समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती है कि समाजवादी पार्टी के पास जो 3 सीट थी उसपे तो वो अपना कब्जा बचाए रखना चाहती है, साथ ही और सीटों पर जो है वो कब्जा करना चाहती है। इसी को लेकर लगातार जो है अब जनसंपर्क जो है तेजी से शुरू हो गया और अखिलेश यादव भी आ जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेंगे और साफ तौर पर अखिलेश यादव के आने के बाद भी जो है फिजा जो है वो बदलेगी जी। इसमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज।